नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस सही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपन लोग साइंस का सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें से आज फिर से आपके सामने फिजिक्स का 10 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ए फैन प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कम्फर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर। हम पंखा के नीचे बैठते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं जब गर्मी आती है तब, तो ऐसा किसके कारण होती है? आपको मैंने कई बार बताया है, ऐसा हमारा पसीना तेजी से सूखने के कारण होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, आवर पेस्पिरेशन इवोपरेट रैपिडली, यानी कि आपका पसीना तेजी से सूख जाता है जिसकी वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं, कंफर्ट महसूस करते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन अर्थन पिचर द वाटर रिमेंस कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा रहता है, गांव वगैरह में जाएंगे, हालांकि अब तो शहर में भी इसका यूज होने लगा है, तो उसमें पानी ठंडा किसकी वजह से होती है? तो उसमें एक प्रोसेस होती है फिजिक्स का जिसे कहते हैं इवापोरेशन, यानी कि बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के कारण जो हीट होती है वाटर का वो लेके उड़ जाती है, जिसकी वजह से हीट कम जाती है, आपके पीचर जो आपके हैं घड़ा होते हैं उसमें जो हीट है, उसके वाटर का जो हीट है वो कम जाती है। कम क्यों जाती है? क्योंकि हीट, यहाँ एक घड़ा सपोज है, ठीक है, इसमें पानी है, यहाँ पे बाष्पीकरण हो रहा है, तो बाष्पीकरण हो रहा है तो यानी कि इसमें हीट लेगा तभी तो वो बाष्पीकृत हो जाएगा। तो हीट कहाँ से लेगा? अंदर वाला जो पानी है उससे हीट ले लेगा। जब इससे हीट ये लेके बाहर निकल गया तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये ठंडा हो गया। तो इवापोरेशन के कारण ही ये जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें पानी ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सीजन ऑफ समर वी एक्सपीरियंस ए ह्यूमिड हीट वेन वेदर। ठंडे के समय में जब देखेंगे कि वर्षा होती है या ह्यूमिड जब हो जाता है, पूरा जो आर्द्र आपका इन्वायरमेंट होता है, तो हम लोग आर्द्र गर्मी की अनुभव कब करते हैं? जब बाष्पीकरण तेजी से होता है। बाष्पीकरण कैसे? जब वर्षा होगी तो वर्षा के बाद तेजी से बाष्पीकृत होगा, तो वर्षा के बाद जो हीट जनरेट होती है वो किसके कारण हीट जनरेट होती है? वो ह्यूमिड कंडीशन के कारण, यानी कि आर्द्र कंडीशन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई इवापोरेशन। हाई इवापोरेशन के कारण ही हमें आर्द्र गर्मी की अनुभूति होती है। जैसे ही वर्षा हुआ बाष्पीकरण तेजी से होगा, बाष्पीकरण तेजी से होगा तो इन्वायरमेंट में जो आर्द्रता है वो बढ़ जाएगी, तो हमें आर्द्रता के कारण हीट ज़्यादा फील होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेरी कंडीशन रिफर्स टू, ये तो क्वेश्चन कई बार आ गया है, तो जेरी कंडीशन किसको रिफर्स करता है? लो ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है तो उसको कहते हैं जेरी कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो ऊपर जाते हैं तो घटती है, ऑब्वियस है ये बातें, फैक्ट है कि ऊपर जाती है तो घटती है, तो यानी कि ये जो असर्शन है वो सही है। रीजन कह रहा है द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड। क्या ऊपर जाते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाती है? नहीं, ऊपर जाते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होती है? घट जाती है, तो रीजन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो गलत हो गया, हमारा पहला सही है सिर्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल ब्रैड ने किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव्स किस में ट्रेवल करेगी? साउंड वेव वैक्यूम छोड़ के हर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस। साउंड सिर्फ वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। आठवां क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग आर सेमी कंडक्टर। इन चारों में से सेमी कंडक्टर कौन है? सिलिकन सेमी कंडक्टर है, क्वार्ट्ज सेमी कंडक्टर नहीं है, सिरेमिक्स ये भी सेमी कंडक्टर नहीं है, लेकिन जर्मेनियम है, तो एक और चार इसमें सेमी कंडक्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोट्रोन आर यूज टू एक्सलरेट। देखिए साइक्लोट्रोन में क्या होता है? एक प्रकार का एक्सलरेटर है।
इसमें प्रोटोन हो या अल्फा पार्टिकल्स है उसको एक्सेलरेट किया जाता है, उसको हाई गति दी जाती है, बॉम्बार्डिंग कहीं पे करना है तो हाथ से फेंकेंगे तो ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएगा, हाथ से फेंकेंगे तो ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएगा। तो एक प्रकार का हमने डिवाइस बनाया है जिससे कि हम अल्फा पार्टिकल है या प्रोटोन है उसको हाई स्पीड से किसी के साथ टकरा सकते हैं। तो वो जो डिवाइस है उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन सपोज इस तरह का यंत्र होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पैदा होती है। इसमें अगर कोई प्रोटोन को छोड़ा जाए तो इस तरह से मूव करते हुए काफ़ी हाई स्पीड में स्पाइरल पाथ में जाती है और जहाँ पे टारगेट होती है उससे टकरा जाती है। सपोज यहाँ पे टारगेट है उससे टकरा जाती है, तो इतना घूमते हुए गई तो इसका स्पीड और भी बढ़ते चला गया। जब इसमें स्पीड बढ़ेगा तो ये काफ़ी स्पीड से जाकर टारगेट से टकराएगी। तो साइक्लोट्रॉन का यूज एक एक्सेलरेटर के रूप में होती है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसमें प्रोटोन या अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होती है, जिसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा प्रोटोन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेंस ए गामा इमिटिंग आइसोटोप और नॉट। कह रहा है कि कौन सा इसमें चीज़ें ये कंफर्म करती है कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी है, उसमें गामा इमिटिंग आइसोटोप है या नहीं है। इसका आंसर होगा सेंटिलेशन काउंटर। अब ये सेंटिलेशन काउंटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि एक चार्ज वेव छोड़ता है। जो आप सपोज ये एक कंटेनर में वाटर है। अब आपको पता करना है कि ये जो वाटर है जिसे आप पीना चाह रहे हैं उसमें गामा इमिटिंग कोई सब्सटेंस तो नहीं है। तो यहाँ पे लाएंगे सेंटिलेशन काउंटर को लाएंगे और यहाँ से एक वेव जनरेट करके इसमें छोड़ेंगे। तो वेव जनरेट करेंगे तो इसमें जो गामा इमिटिंग आइसोटोप होगा उससे टकराएगा ये वेव, तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो हाई कर देगा। और जैसे ही फिर से वो अपने एनर्जी लेवल में आएगा उसका जो पार्टिकल्स है, तो वो एक प्रकार का फ्लैशेस क्रिएट करेगा, यानी कि आप कहेंगे कि एक लाइट जनरेट करेगा। तो लाइट जैसे ही फ्लैशेस जनरेट होती है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि इसमें गामा इमिटिंग आइसोटोप है। तो गामा इमिटिंग आइसोटोप में क्या होता है? फ्लैशेस जनरेट होता है। सेंटिलेटिंग काउंटर के द्वारा एक चार्ज वेव छोड़ा जाता है जो कि टकराने के बाद, जो भी हम सैंपल लिए हैं उससे टकराने के बाद अगर फ्लैशेस हमें दिख गया, यानी कि लाइट हमें दिख गया, तो हम ये समझ लेंगे कि उस सैंपल में गामा इमिटिंग आइसोटोप है। ठीक है, तो इसका आंसर सेंटिलेशन काउंटर होगा। तो आशा करते हैं ये जो 10 क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के और भी क्वेश्चन के साथ अगली बार मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।